असल जी आपका होस्ट अनिल सैदान के हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ो तरदोस्माम हसन महमद मफ़ाला वसम और आल मोहम्मद पर इस वक्त जो एक इतिहाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान ये मरी ताकतों का एक इतिहाद था जो एक खास वक्त के लिए था उसके बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ आज मैं ग्रंटी से बात बता रहा हूँ कि इस इतिहाद के अंदर जान बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इस वक्त तो सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है वो नवाज शरीफ साहब को है नवाज शरीफ साहब ने मेरे पिछले भी लाग में आपको बताया था कि अपने सीनियर कैदरशिप को ये आर्डर दे दिया है ये अहकाम दे दिया है कि एक एक चीज़ की पैरवी करें एक एक चीज़ को चेक करें और किसी सूरत आपने कोई चीज़ स्पेयर नहीं करनी ये चीज़ चेक करें कि इमरान अहमद खान न्याजी जो थे इमरान अहमद खान ऐसे डेफिनेटली जो है वो दोनों ही पार्टियां ख़िलाफ़ हैं कि जो आसफ अली जरदारी साहब उनके तमाम मामला को देखा जाए आसफ अली जरदारी साहब किससे मुलाकात कर रहे हैं पंजाब में वो किस तरह अपना जो है वो कदम जुमा रहे हैं मगर इसके ऊपर आप जानते हैं कि बात की है सबसे पहले जवेद लतीफ़ साहब ने जवेद लतीफ़ साहब ने बकाया पर यह बात कही कि हमारा कोई इतहाद नहीं है कोई हमारी सीट एडजस्टमेंट कोई अब मुस्तबिल की सियासत नहीं करना चाहते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्योंकि okay, नूनली को भी समझ आई है कि एक्चुअली हमारे साथ हाथ क्या हुआ है और ये गेम्स कभी किसके लिए बनाई जा रही थी मगर इसके साथ साथ कुछ और भी खबरें हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है मगर अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको दस से पंद्रह दिन का ये मैं टाइम देता तो हूँ दो हफ्ते का टाइम है दो हफ्ते के अंदर आप देखिएगा कि किस तरह एक ऑटोमेटिकली चेंज यानी शुरू हो जाती है कि किस तरह नून लीग के बयान आते हैं किस तरह पीपल्स पार्टी के बयान आते हैं और फिर इस बयानत को आपने मेरा विलाग संभाल कर रखना है किस तरह इसमें देखिएगा है सबसे पहले ही लाहौर हाई कोर्ट ने आप जानते हैं कि इस तो केयर टेकर सिस्टम है निगरान हुकूमत है और कुछ ये भी इतला थी कि इनको केयर टेकर ना कहा जाए इनको निगरान ना कहा जाए इनको पक्का करने का इरादा था मगर वो उसमें भी कुछ जान सामने ना आई तो लाहौर हाई कोर्ट ने बकायदा तौर तो पर ऊपर निगरान हुकूमत पंजाब का इंतजामी सतह पर किया गया पहला फैसला कल अदम करार दे दिया क्योंकि इन्होंने जिस तरह आमिर मिर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं इस तरह तो मेरा हाल है कोई जो आवाम के वोटों से आता है वो भी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ी को ज़िला और अलीपुर पुर को तहसील का दर्जा देने का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया आप जानते हैं परवेज़ साहब जब वजी अला बने तो उन्होंने वज़ी को ज़िला और अलीपुर पुर चट्ठा को तहसील का जो है वो एक अथार्टी दी उधर जी जो आप जानते हैं कि एंटी करप्शन है उसने बाकायदा तौर के ऊपर इस वक्त इमरान अहमद ख़ान ने अगर इमरान अहमद खान ने सिर्फ भी मैं बात करूँ तो उन सब तो बात है थी इमरान अहमद खान ने की बेगम तक बात आई उनकी बहन अलीमा ख़ान तक बात आई बानझे हसान तक बात आई तो अभी बात गई है बुशरा बेगम के जो जिनको वो छोड़ के आई हैं बेटा जो इब्राहिम मनिका का है उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सबका वजी अला पंजाब उस्मान बुजदार साहब के दौर में इकतदार में तकर्र तबादले तो का मामला है और कोई करप्शन की केस का मामला है पाँच ब्योक्रेट्स पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया जिसमें मुकदमे में सीनियर ब्यरोक्रेट ताहिर खुर्शीद साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सालिया सईद जो कि डी सी रह चुकी हैं अहमद अजीर तारड़ ऊस्मान मोजम सहेल ख्वाजा शामिल हैं इस मुकदमे में सबका वजी अला उस्मान बुजदार फ़रा अलमरूफ़ फरा गोगी इब्राहिम मनेका भी शामिल हैं और इनके ऊपर एफ़ भी हो चुकी है और जैसे आप मेरा वी सुन रहे होंगे तो इस वक्त तक शायद कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई होंगी जैसे कोई गिरफ्तारियां हुई होंगी तो मैंने आपके मतलब इसको लाजमी बताना है उधर जी जंगीर तरीन सबके मतलब सुनिएगा जंगीर तरीन से आप जानते हैं कि उन्होंने जिस तरह का नौ मई के बाद अपने आप को उन्होंने बिल्कुल रीहैपलाइज़ किया तो इसमें जंगीर तरीन साहब भी कल अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे जंगीर तरीन बुजोरे बतौरे पैटर्न इन चीफ पार्टी के ज़िम्मेदारी संभालेंगे जबकि ना अहली ख़त्म होने के बाद पार्टी चेयरमैन बन जाएंगे इसका मतलब है जंगीर तरीन साहब को पूरे वादे मुआदे तसलियाँ दी गई हैं कि आपकी नाहली ख़त्म होगी और ये सारा कुछ किया जा रहा है इमरान अहमद खान नदी साहब को रोकने के लिए उनके रस्ते में हड्डल क्रिएट करने के सिलसिले में उधर जी एकटा के वकील अब्दुलरजाक साहब जो कल जिनको मर्डर दिया गया जिनका कत्ल हो गया तो इमरान अहमदर्टिकल दाखिला सीनियर वकील हैं बलोचि बार काउंसिल के मेंबर थे उनके बेटे की मदहीत में इमरान अहमद खान नदी साहब के ऊपर कतल का मुकदमा दर्ज कर दिया गया रात को मैंने बता दिया था कि वही जो जुल्फ़ार अली भुट्टो साहब वैसा जैसा मामला है वक्त वो आम पर आता नज़र आ रहा है उधर जी गिलगा बल्तिस्तान के अंदर जी के अंदर बड़ा ते, तेज़ी से काम जारी है स्पीकर अमजद जैदी को तहरीक में अतमाद के जरिए बरतरफ कर दिया गया स्पीकर असम्बली अमजद जाद, जैदी के खिलाफ तरीक आदम अहतमाद कामयाब हो गई है स्पीकर के खिलाफ तहरीक आदम अतमाद पर इक्कीस वोट पोल हो गए महालफ में एक वोट पोल हुआ यानी कि जो एक गिलगा बल्तिस्तान की हुकूमत है उसको भी जो है वो ख़त्म करने का एक जो है वो मनसूबा सामने आ चुका है उधर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के दरमियान हलीज या उनके रास्ते जो हैं वो जुदा होने जा रहे हैं तो इसके मतलब मैंने आपको बताना है मगर शाहमुद कशीद साहब और इमराना साहब की मुलाकात है जैसे अब मेरा विलाग सुन लोगे शायद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी तो डेफिनेटली मैं अगले विलाग में आपके साथ कुछ बड़े अहम जो है वो इसके मुतलिक बातें करूँगा तो डेफिनेटली अभी तक का विग था अगर आपको समझते हैं कि मेरा विलाग अच्छा लगता है और वीडियो में जो हम डाटा देते हैं अथेंटिक होता है तो फिर कान को लाइक कर लिया करें सब्सक्राइब कर लिया करें अपने दोस्तों शेयर करके बेल आइकन कर पर प्रेस कर लिया करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक आप तक बर वक्त पहुँच सके नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट होश जदल हम असल